हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्कआउट विद अस। आज का वीडियो होने वाला है 1600 मीटर जो रनिंग करते हैं आप क्या नहीं करना है उसके ऊपर आज का वीडियो है। आपको YouTube में हर जगह पे ये मिल जाएगा कि 1600 मीटर रनिंग करने के लिए आपको क्या क्या करना है, लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगा क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या गलती आप करते हैं जिसकी वजह से आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंत में भी होगा एक एक्स्ट्रा बेनिफिशियल टिप्स, तो वीडियो को एंड तक देखिए, एंजॉय कीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है हम उसे चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब जो जो गलती आप करते हैं या फिर क्या क्या नहीं करना है उसको हम फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहला आता है कि प्री रनिंग वर्कआउट। आप रनिंग करने आते हैं और वैसे ही रनिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, रनिंग से पहले कुछ बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज आपको करना है, ठीक है। जैसे कि नेक रोटेशन हो गया, हैंड मूवमेंट, जॉइंट रोटेशन, फिर हिप रोटेशन, लेग, थोड़ा थोड़ा करके वर्कआउट करना है। और ये सब वर्कआउट कैसे करना है अगर आप नहीं जानते, अगर कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर भी मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज का वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमने इस वीडियो को जो फोर पार्ट में डिवाइड किया था, ये अब आता है उसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आता है कि कंटिन्यूअसली रनिंग। आप क्या करते हैं कि आप रनिंग करते हैं और कंटिन्यूअसली रनिंग करते हैं, मतलब क्या, रनिंग करते रहते हैं। अगर आप समझ लो लॉन्ग रनर है या 1600 मीटर रनिंग करते हैं, तो आप करते क्या है, घंटे भर भागते रहते हैं, कोई रेस्ट नहीं देते, बीच में कोई गैप नहीं देते, आपको वो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, 20 मिनट भाग लिए, फिर 5 मिनट रेस्ट लिया, फिर 20 मिनट भाग लिए, ऐसे करना है। फिर जब आपका रनिंग खत्म हो जाए, डेली जो सेशन होता है आपका वो खत्म हो जाए, आपको लगता है कि आज का खत्म हो गया, तो उसके बाद आखिर में आपको करना क्या है, 100-100 मीटर की चार सेट लगाना है। आपको कैसे लगाना है, 100 मीटर किए फिर चल के आए, फिर 100 मीटर गए फिर चल के आए, ऐसे करके चार सेट लगाना है। बस ये हो गया आज का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने रखा है पोस्ट वर्कआउट कूलिंग सेशन। आप रनिंग के बाद क्या करते हैं, मतलब कुछ ही नहीं करते, ये गलती आपको दोहराना नहीं है। आज के वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, आपका रनिंग का सेशन खत्म हो गया, या फिर रनिंग हो या फिर कोई भी वर्कआउट हो, ठीक है, आपको क्या करना है, सेशन खत्म होने के बाद आपको कूलिंग सेशन करना है। मतलब जैसे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही कूलिंग डाउन एक्सरसाइज होता है। अगर आप इसके भी ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना, मैं इसे भी अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको करना क्या है, बॉडी कूलिंग करना है, फिर उसके बाद घर जाना है, ठीक है। और अब आता है चौथा पार्ट, आपको करने का मसाज करना है। आज मैं आपको मसाज का इम्पोर्टेंस बताऊंगा। आपको जब आप वर्कआउट करते हैं, जैसे वर्कआउट के पहले बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, और वार्म अप के एक्सरसाइज के बाद जब आप बॉडी कूलिंग एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह आपको मसाज भी करना है। क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं, रनिंग करते करते मसल धीरे धीरे स्टीफ होने लगता है, और जब आप भागते हैं तब किसी को ऐसे या कब मसल में खिंचाव महसूस होता है, किसी को ऐसे धीरे धीरे यहाँ जो हैमस्ट्रिंग है इसका खिंचाव महसूस होता है, या फिर यहाँ क्वाड्रल मसल है, यहाँ पे भी किसी किसी को चोट लगने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको वहां से बचना है, मतलब इस तरीके की चोट से आपको बचना है, तो आपको कम से कम हफ्ते या 10 दिन में एक बार करके मसाज करना है, या फिर आपको स्विमिंग करना है, मसाज करना है या फिर आपको स्विमिंग करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, कोई भी आपको करना है। और अगर ये आप करते हैं तो आप जेन्युइनली चोट से बच सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो एक्स्ट्रा बेनिफिशियल जो टिप्स है वो आपके लिए ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद 20 मिनट के अंदर, मैं 20 मिनट के अंदर आपको कोई भी बॉडी रिवाइवल फूड लेना है, ठीक है, जैसे कि केला हो गया, खजूर हो गया, या फिर नींबू पानी हो गया, इस तरह के कोई भी फूड जो आपकी बॉडी को रिवाइव करे। मतलब पहले दिन आप एक्सरसाइज किया, आज अगले दिन की एक्सरसाइज के लिए आपकी बॉडी को तैयार करे, ऐसे कोई फूड लेना है, ठीक है। अब वीडियो को कैसा लगा वो बताना मत भूलना, और चार पार्ट में आपको कौन सी पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी बताना। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो फौज में जाना चाहते हैं, या रनिंग करता है, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में है। जय हिंद।